बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेमस बनारसी साड़ी या आप कहें कि बनारसी कपड़ों को कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। पूरे वर्ल्ड में जो है बनारसी कपड़े बेहद फेमस हैं और ख़ास करके साड़ीज़ तो बहुत ही ज़्यादा शादियों में हमारे यहाँ इंडिया में भी चलती हैं और जगहों पे भी लोग इसको बहुत ही रिच मानते हैं और स्पेशली वेडिंग के सीज़न में तो इनका इस्तेमाल ज़रूर होता है और एक दो साड़ी तो आपके भी पास ज़रूर होगी। तो आज मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत बनारसी के जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग है और बहुत ही प्यारे कलेक्शन है, आप पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, फिट एंड फाइन होंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआओं में याद करते हूँ। मैं तरनुम लाली, लाली फैशन पॉइंट से आज आपको कुछ स्पेशल दिखाने जा रही हूँ, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और इसमें जितनी भी ड्रेस डिज़ाइंस दिखाई जा रही हैं आपको आइडियाज़ के लिए दिखाई जा रही हैं, क्योंकि बनारसी में आपको ब्रोकेड मिलेगा, कतान के मिलेंगे आपको, पटोला के आती हैं साड़ियाँ, आपको रनिंग फैब्रिक बहुत सारा मिलेगा जिसका आप डिज़ाइनिंग करवा सकती हैं। और आपको यहाँ डिज़ाइन इसीलिए दिखाया जा रहा है कि अगर आप प्लेन के साथ अगर कुछ काम करना चाहती तो प्लेन के साथ नीचे बॉटम में आप ब्रोकेट वगैरह यूज़ कर सकती हैं, आप सेम भी यूज़ कर सकती हैं। सेल्फ डिज़ाइनिंग में आती है, सेल्फ कलर में आता है, वो बहुत तरह के मटेरियल बनारसी में मौजूद हैं। अगर आप समझ के और डिज़ाइनिंग करवाना जानते हो तो आपके लिए बहुत आसान है। इसीलिए ये सारी डिज़ाइंस आपको दिखाई जा रही हैं ताकि अगर आपको फैब्रिक की ज़रूरत हो, फैब्रिक के ऊपर वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में पूरा फैब्रिक दिखाऊंगी जिसमें आप लेकर के उसको बनवा सकती हैं और किस तरीके का बनवाना चाहिए और कैसा करना चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे और कहीं भद्दापन ना हो। बहुत ही खूबसूरत, वेरी लग्जरी डिज़ाइनिंग इसकी होती है। आप किसी को भी मशहूर से मशहूर लोगों को देखिए, वो बहुत ज़्यादा वो सेलिब्रिटीज़ हों या कोई हो, इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।